हेलो फ्रेंड्स, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फेस सीरम बताऊंगी जो आपकी स्किन पर जितने भी एंटी एजिंग वाले लक्षण हैं उन सब को दूर करेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, सब आपकी मार्केट के आप सब आपके आसपास ही है वो सामान जो इसके लिए मुझे चाहिए। इसके लिए मैंने अमलतास के फूलों और चमेली के फूलों का इस्तेमाल किया है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अमलतास और चमेली दोनों ही फूल ऐसे हैं जो स्किन पर जितने भी एंटी एजिंग वाले लक्षण हैं उन सबको दूर करेगा। जितने भी स्किन पर आपकी फाइन लाइंस हैं, जितने भी आपके एंटी एजिंग वाले लक्षण फेस पर दिखाई देते हैं, जितनी झुर्रियाँ, जितने पैचेस, सब को दूर करेगा। ये अमलतास इतना अच्छा होता है, इसके फूल इतने अच्छे होते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए मैंने चमेली और अमलतास दोनों के फूलों को अच्छे से एक कटोरी पानी में पकाया। जब ये पककर आधा रह गया तो देखिए ये इतना एक कटोरी से इतना सा रह गया, इसे मैंने खूब अच्छे से पकाया। जब ये आप इसे अच्छे से पकाएंगे, जब ये आधा रह जाएगा तो आपको इसमें अलसी के बीज डालने हैं। ये एक चम्मच, आप एक कटोरी अगर बना रहे हैं तो एक कटोरी के लिए आपको ये एक चम्मच बहुत रहेंगे। इसलिए जब आप एक कटोरी पानी में अमलतास के फूल और चमेली के फूलों को पकाएंगे, जब वो अच्छे से पक जाएं, पानी आधा रह जाए, तो आपको उसमें अलसी के बीज डालने हैं। ये बीज डालने के बाद आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। जब आप 2 से 3 मिनट तक अलसी के बीज डालकर इसमें पकाएंगे तो आपको इसे ठंडा होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ही रखना है। जब आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और आप इसको स्ट्रेनर से छानेंगे तो ये देखिए एक इतना चिपचिपा सा एक ऐसा जेल बन जाएगा जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसका कलर ही देखिए, नेचुरली कलर है, कितना अच्छा कलर है इसका। ये एंटी एजिंग वाले जितने भी आपके फेस पर एंटी एजिंग के लक्षण हैं उन सब को दूर करेगा। इसमें इस जेल में आपको चाहे तो आप पतंजलि का मार्केट से एलोवेरा जेल ले सकते हैं, या फिर आप अगर आप अपने घर में ही एलोवेरा जेल बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो आप इसमें घर में बना हुआ एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें मार्केट वाला, दोनों में से आपकी जो भी इच्छा है, दोनों में से जो वो एक चम्मच एलोवेरा जेल आपको इसमें मिलाना है। और आपको इसको सुबह नहाने के बाद और शाम को अच्छे से मुँह धोकर रात को सोने से पहले आपको इसे लगाना है। आप इसे दिन में 2 बार या जितनी बार भी आप मुँह धोते हैं उतनी बार इसे आप लगा सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद तो आपको डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करना ही है। आप इसे लगाकर बाहर भी जा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये आपको यूवी किरणों से भी प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि आप गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, क्योंकि एलोवेरा और अमलतास और चमेली तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो कि स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और आपको आप सनबर्न से भी बचाएंगी, जो इतनी अभी आप धूप में जाते हैं यूवी किरणें होती हैं उनसे भी आपको बचाएगा। इसलिए अब आप जितना आप इसमें एक चम्मच के करीब एलोवेरा जेल मिलाएंगे और आपको इसको 2 से 3 बार तो ज़रूर लगाना है। जितनी बार भी आप फेस वॉश करते हैं उतनी बार आप इसे डेफिनेटली लगा सकते हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप इसे जेल को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और आपको कैसा लगा प्लीज़ एवरीवन मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको जो भी होममेड टिप्स दे रही हूँ वो आप तक पहुँच सके। एवरीवन, अब अगर आपको कोई चीज़ मिलने में परेशानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू एवरीवन।